हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत ही आसान तरीका से इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते ओल्ड टैक्स रिजिम से और न्यू टैक्स रिजिम से, और दोनों के बीच कंपेयर भी कर सकते कौन सा टैक्स रिजिम मेरे लिए सुइटेबल होगा। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते। सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउज़र से गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे चला जाएंगे तो नीचे हमको सर्च बार दिखेगा, वही सर्च बार में जाके हमको लिखना पड़ेगा इनकम टैक्स। तो हम क्या करेंगे, सर्च बार में जाके लिख देंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लिख के सर्च करने से इधर पहला वाला जो लिंक आ जाएगा incometax.gov.in, वही लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। वही लिंक पर क्लिक कर देंगे तो इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो हम पहला वाला लिंक पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इधर ई फाइलिंग इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया। तो इधर नीचे लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिखेगा। क्विक लिंक्स के अंदर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर, वही इनकम टैक्स कैलकुलेटर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इनकम टैक्स कैलकुलेटर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर का पेज इधर आ जाएगा। तो देखिए इधर इनकम टैक्स कैलकुलेटर का पेज आ गया। तो इधर नीचे मेरे को सबसे पहले बेसिक कैलकुलेटर दिखेगा, वही बेसिक कैलकुलेटर से ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो इधर सबसे पहले हमको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर हम करेंट असेसमेंट ईयर यानी 2023-24 कर देंगे। उसके बाद टैक्स पेयर कैटेगरी उधर हम इंडिविजुअली रख देंगे। उसके नीचे मेरे को योर एज दिखेगा, बिलो 60 ईयर रहेगा रेगुलर सिटीजन, उसके बाद रहेगा बिटवीन 60-79 ईयर सीनियर सिटीजन, उसके बाद रहेगा 80 एंड अबव यानी सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन। तो जो कैटेगरी में आता हूँ वही कैटेगरी हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम बिलो 60 ईयर ही रख देंगे। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट रहेगा। अभी हमको टोटल एनुअल इनकम, इधर मेरा जितना एनुअल इनकम रहेगा यानी सैलरी इंटरेस्ट या भी और भी कोई इनकम रहेगा, तो टोटल एनुअल इनकम जो होगा वो हमको इधर डालना पड़ेगा। उसके बाद राइट साइड में टोटल डिडक्शन यानी जो डिडक्शन होता है, जो जो सेक्शन में डिडक्शन होता है, जो डिडक्शन मेरा है, सारे डिडक्शन इधर हमको डालना पड़ेगा। डालने के बाद इधर राइट साइड में मेरे को टैक्स समरी मिल जाएगा। तो इधर हम डालते हैं तो देखिए इधर हम टोटल एनुअल इनकम डाल देते हैं, अपना हिसाब से कुछ भी डाल देते हैं। तो हम 12,50,000 डाल दिया। अभी राइट साइड में टोटल डिडक्शन हम 2,50,000 कर देते। तो ये करने के बाद हमको इधर राइट साइड में टैक्स समरी दिखेगा। तो देखिए इधर हम 2,50,000 डाल दिया, अभी राइट साइड में हमको टैक्स समरी दिख रहा है। देखिए नीचे मेरे को टोटल इनकम दिख रहा है जो मैंने डाला है 12,50,000, और नीचे टोटल डिडक्शन दिख रहा है 2,50,000 जो हम डाला है, और नीचे मेरे को टैक्स अमाउंट दिखेगा। एज़ पर ओल्ड टैक्स रिजिम मेरे को दिख रहा है 1,70,000 टैक्स होगा, और नीचे टैक्स अमाउंट एज़ पर न्यू टैक्स रिजिम दिख रहा है 1,30,000 टैक्स होगा। तो दोनों देखिए दोनों ही रिजिम में हमको टैक्स अमाउंट दिख रहा है। अभी हम कंपेयर कर सकते हैं, और नीचे मेरे को दिखा भी रहा है कि 13,000 सेव होगा अगर हम ओल्ड टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल करेंगे तो। और ऊपर में मेरे को देखिए व्यू कंपैरिजन भी दिखेगा, व्यू कंपैरिजन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इधर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो देखिए इधर मेरे को दोनों ही रिजिम का कैलकुलेशन दिखाएगा कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो देखिए इधर एज़ पर ओल्ड टैक्स रिजिम का कैलकुलेशन दिख रहा है, और राइट साइड में एज़ पर न्यू टैक्स रिजिम का कैलकुलेशन दिख रहा है। तो ऐसे ही हम कंपैरिजन कर सकते। इधर हम टोटल एनुअल इनकम और टोटल डिडक्शन चेंज करेंगे तो राइट साइड में टैक्स समरी भी चेंज होगा। तो ऐसे ही हम बहुत ही आसान तरीका से ऑनलाइन में ओल्ड टैक्स रिजिम से और न्यू टैक्स रिजिम से कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम टैक्स, और उसके साथ साथ कंपेयर भी कर सकते हैं कौन सा टैक्स रिजिम मेरे लिए सुइटेबल होगा। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना, और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ। जय हिंद।